गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हम फिर गेट 2013 का एक एसी का एयर कंडीशनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हो गया है, ड्राइवल टेम्परेचर दिया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है ना, सैचुरेशन प्रेशर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू दी गई है 4.25 किलो पास्कल, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा है। तो अगर अपन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें डब्ल्यू की, तो इसकी वैल्यू होती 0.622, ठीक है ना, पीवी अपॉन पी माइनस पीवी, ये इसकी वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपको दी गई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच की वैल्यू ये दी है पीवी बाय पीएस, और ये जो पीएस की वैल्यू दी है, ये पीएस की वैल्यू आपको दी हुई है 4.25 किलो पास्कल, इसको आप पास्कल में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको पास्कल में चेंज इसलिए करना है क्योंकि आप हर यूनिट को पास्कल में चेंज करेंगे। अभी ये जो 1 बार दिया है इसको भी पास्कल में चेंज करेंगे। तो अगर अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल टू पी वी बाय पी एस अगर अपन देखते हैं, तो पी वी क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा पी वी इक्वल टू फाई पी एस, और ये वैल्यू अगर अपन उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पास्कल में सारी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। तो हमको मालूम है 1 बार इक्वल टू 10^5 पास्कल, तो पी की वैल्यू इन्होंने दिए 1 बार दिए हुए, तो ये इक्वल टू 10^5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको रख दोगे। और पी वी की वैल्यू आपको पी एस की वैल्यू को भी पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। तो पी एस की वैल्यू को आप पास्कल में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4.25 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको सिंपल सी बात है कि 4.25 किलो पास्कल, तो 10^3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो वैल्यू है इसको 4.25 × 10^3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू जो है पास्कल में आ जाएगी, ठीक है। तो 4.25 × 10^3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सारी वैल्यूज उठाकर आप यहाँ पर रख दोगे, पी वी की वैल्यू 5 PS के फॉर्म में रख दोगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.622 है ना, 5 PS अपॉन पी माइनस 5 PS। तो 5 की जगह आप क्या रख दोगे इसमें, 5 की जगह आप रख दोगे 0.7, ठीक है ना, और पी एस की वैल्यू जो रखोगे आप कितनी रख दोगे, पी एस की वैल्यू ये जो आप रखोगे 4.25 × 10^3 सेम टू सेम यही वैल्यूज, और यहाँ पर क्या रख दोगे आप 10^3, ठीक है ना, सॉरी 10^5, और यहाँ पर रख दोगे सेम वैल्यू 0.7 × 4.25। तो ये सारी वैल्यूज जब आप रख देते हो, पुटअप कर देते हो, ये 0.7 है, ये सारी वैल्यू जब आप पुटअप कर देते हो, तो आपका ये फाइनल आंसर जो है निकल कर आ जाता है 0.01907, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनली गेट 2013 का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आप चाहे तो ये फाइनली निकाल कर भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और इसके बाद आरएच की वैल्यू दी रहेगी, तो आरएच की वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद ही रहता है पीवी बाय पीएच के फॉर्म में।